एक मेजर चैलेंज जो बिजनेस ओनर्स का आता है कि मैम हमारी सेल्स ग्रो नहीं कर रही है, मैम हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, और जब ये इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे क्लाइंट्स के जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं या हमारे प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं जब जुड़ते हैं, तो उनसे मेरा एक क्वेश्चन सबसे पहले होता है समझने के लिए कि क्या एक मेजर रीजन है कि उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। और जब मैं उन क्वेश्चंस पूछती हूँ तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप अपना दिन कैसे स्पेंड करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप अपना दिन कैसे स्पेंड करते हैं उस पर भी बहुत मैटर करता है कि आपका बिजनेस ग्रोथ किस लेवल पे होने वाला है। जानिए इस वीडियो के अंदर कैसे। अब होता क्या है, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि आपका दिन कैसे स्पेंड करते हैं, सो व्हाट आई वांट यू इज कि क्या आप दिन को स्पेंड करने के अंदर आप भी कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं कि अगर आपकी सेल्स नहीं बढ़ रही है, टाइम आपका ऑपरेशंस के अंदर जा रहा है, मेजर ऑफ द वर्किंग आवर्स आपके ऑफिस में रहते हुए में, कंपनी में रहते हुए में, प्लांट में रहते हुए में, चीजों को एग्जीक्यूट कराने में अगर जा रहे हैं, तो माई डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपके कंपनी के अंदर, कहीं ना कहीं आपके सिस्टम्स के अंदर, कहीं ना कहीं आपके काम करने के तरीके के अंदर कुछ गैप है जिसकी वजह से आपको इतना पुश करना पड़ता है ऑपरेशंस के अंदर चीजों को एग्जीक्यूट कराने करने के लिए, चाहे वो फायर फाइटिंग ही क्यों ना हो। सो व्हाट आई वांट आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, एक प्रिंसिपल है, एक रूल है 80-20 प्रिंसिपल, जो कि लाइफ के अंदर कई सारे एस्पेक्ट्स में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी बिजनेस लाइफ हो, उसके अंदर आप यूज कर सकते हो। बीइंग अ बिजनेस कोच मैं आपको बिजनेस लाइफ के अंदर बताने वाली हूँ 80-20 रूल जो है, अगर आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हो, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो इस प्रिंसिपल को एज अर्ली एज पॉसिबल इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और ये रूल कहता है कि आपके दिन का 80% फोकस, 80% टाइम, 80% जो आप एक्शंस ले रहे हो वो सेल्स ग्रोथ में लगने चाहिए, ना कि ऑपरेशंस में। 80% आपका एफर्ट, आपका टाइम एंड आपकी एनर्जी एंड आपके रिसोर्सेज जो हैं, वो 80% सेल्स ग्रोथ के अंदर, बिजनेस ग्रोथ के अंदर लगने चाहिए, एंड 20% आपका टाइम, आपके रिसोर्सेज, आपके एफर्ट्स, आपके एक्शंस जो हैं ऑपरेशंस में लगने चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ वेरी थिन लाइन जो आपको समझने की जरूरत है। ये समझ में तो आ रही है, ये समझ में तो आ रही है, बट समझ आने से बात नहीं बनेगी जब तक आप इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते। सो व्हाट आई वांट यू पीपल इज कि आप नेक्स्ट 15 दिन तक अपना डेली शेड्यूल या अपनी डेली टू डू लिस्ट बनाओ, फाइन, अपनी डेली टू डू लिस्ट बनाओ जिसके अंदर कॉन्शियसली आप वो एक्शंस, आप वो पॉइंट्स, वो चीजें लिखो, वो चीजें करने वाली चीजें, एक्शनेबल्स लिखो जिससे आपकी सेल्स या आपकी बिजनेस ग्रोथ हो सकती है। एंड 20% ऑफ द टाइम, 20% ऑफ द एक्शंस आपके ऑपरेशंस में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप एक पेज लेंगे, उस पेज के बीच में एक लाइन डालेंगे, लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे बिजनेस ग्रोथ सेल्स एंड राइट साइड में लिखेंगे आप ऑपरेशंस। पहले तो मैं चाहूंगी दो चीजें आप कर सकते हो। पहले तो अगर मैं पिछले 15 दिन को एवेल्युएट करने के लिए कहूं, तो ओवरऑल आप देखो कि कहां ज्यादा आ रहा है, तो आपको ये समझना है कि आप ऑपरेशंस में टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे थे या बिजनेस ग्रोथ के अंदर। उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या आप गलत गलत पाथ फॉलो कर रहे थे। और अब जो मैं नेक्स्ट बात कर रही हूँ कि जो भी आप पहले कर रहे थे करके, अब आपको अपना कॉपी, आपका नोटपैड इस तरीके से बनाना है, आपका टू डू लिस्ट नेक्स्ट 15 डेज के लिए इस तरीके से बनाना है ताकि उसमें बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आते हैं एक्शन, बिजनेस ग्रोथ रिलेटेड, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो आप डे वाइज प्लान कर लीजिए और उसको उस तरीके से कीजिए, फाइन। सो होगा क्या कि जब एक लिखित चीज जिस तरीके से होती है, अगर आप जब उसको फॉलो करने लग जाओगे, हो सकता है फर्स्ट डे अच्छे से ना फॉलो करो, सेकंड डे और बेटर, थर्ड डे और बेटर, तो आपको हैबिट हो जाएगी जो आपने लिखा है उसको फॉलो करने के लिए। और लिखोगे क्या 80% ऑफ द टाइम इन सेल्स, इन बिजनेस ग्रोथ। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ट्रिगर मिला हो, इस वीडियो से आपको कुछ एक किक स्टार्ट मिला हो कि कहां आप गलती कर रहे थे जिसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। बिजनेस जो है वो आपकी परछाई है, आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, आप क्या एक्शंस लेते हो, आप क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करते हो, उस पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस लेवल पे बढ़ने वाला है, किस लेवल तक जाने वाला है, कौन सी डायरेक्शन लेने वाला है। सो आई होप कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे, एंड नेक्स्ट टाइम आप जब मुझसे मिलेंगे किसी भी फॉर्म के अंदर, यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू प्लान योर डे अकॉर्डिंगली।